पीरियड्स के वक्त महिलाओं को कई तरह के लक्षण महसूस होते हैं। इस दौरान महिलाओं की स्किन और बालों पर भी कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। महिलाओं को हर महीने पीरियड से गुजरना पड़ता है। ये उनके शरीर में होने वाली एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। इस दौरान शरीर के हार्मोन्स में उतार चढ़ाव भी होता है, जिसका सीधा असर उनके मूड और शारीरिक क्रियाओं पर पड़ता है। हार्मोन्स का प्रभाव बालों और स्किन को रूखा बनाने में भी खास भूमिका निभाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। पीरियड्स के दौरान औरतों के हार्मोन्स में तेजी से बदलाव आता है, जिसका असर उनके बालों और त्वचा पर भी पड़ता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर अलग अलग होता है, जो शरीर के प्राकृतिक नमी और संतुलन को बनाए रखता है। एस्ट्रोजन के स्तर में कमी से सीबम उत्पादन कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा और बाल ड्राई हो जाते हैं। वहीं पीरियड्स के दौरान वाटर रिटेंशन की परेशानी भी होती है। इस वक्त कुछ महिलाओं को ज्यादा पसीना आना, डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है। पानी की कमी के कारण स्किन और बालों में ड्राइनेस आ जाती है। इसके लिए औरतों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना इस दौरान खासकर जरूरी है। पीरियड्स में आमतौर पर आयरन की कमी बालों और स्किन को रूखा बनाती है। आयरन सेल्स के काम के लिए जरूरी है, जिसमें बालों की ग्रोथ और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार कोशिकाएं भी शामिल हैं। जब आयरन का स्तर कम होता है तो त्वचा और बालों के रोम को ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही से नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से बाल टूटने, झड़ने और रूखापन हो सकता है। हार्मोनल बदलाव की वजह से स्कैल्प और त्वचा के पीएच लेवल में तेजी से बदलाव आता है। इससे पीएच संतुलन में प्रभाव पड़ता है। पीएच लेवल में बदलाव की वजह से नेचुरल बालों और त्वचा में तेजी से रूखापन भी दिखता है। पीरियड्स के दौरान होने वाले बदलावों से बचने के लिए औरतें योग कर सकती हैं। इससे हार्मोन का स्तर सही बनाने में मदद मिलती है, साथ ही मूड स्विंग से भी बचाव होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।